अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 32 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन प्रिंसिपल्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स सेक्रेटरी फाइनेंस इस्लामाबाद एंड अनदर वर्सेस ई मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर ई मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सिंध हाई कोर्ट कराची में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल की, जिसमें रिस्पोंडेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनएलसी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड थे। हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और प्रेजेंट केस में लीव टू अपील का इशू कोर्ट के सामने रखा गया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि क्या पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 का रूल 7 ये अलाउ करता है कि एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाए जिसने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना किया हो और जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दिए गए क्राइटेरिया को मीट भी ना करे। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 26 के तहत बनाए गए थे। इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज का मकसद ये था कि वो पब्लिक सेक्टर में काम के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स को रेगुलेट करे और इस बात को गारंटी करे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक कैरी आउट किया जा रहा है। रूल 17 के तहत एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी को इख्तियार दिया गया है कि वो पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स की प्रोफेशनल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, लीगल और मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस के बारे में मालूमात मांगे। रूल 17 ये अलाउ नहीं करता था कि एनएलसी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए बगैर और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दिए गए क्राइटेरिया को मीट किए बगैर ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाए। इस केस का दूसरा इशू ये था कि क्या ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कार्गो रूल्स 2012 के तहत कोई कंपनी एक लाइसेंस ऑब्टेन किए बगैर कार्गो ट्रैक और मॉनिटर कर सकती थी। इस इशू को एनालाइज करते हुए कोर्ट ने 2012 के रूल्स के प्रोविजंस को डिटेल में एनालाइज किया और रूल्स 2 और 4 को पढ़ते हुए कहा कि इन प्रोविजंस की क्लियर लैंग्वेज के मुताबिक कोई भी कंपनी तब तक कार्गो को ट्रैक और मॉनिटर नहीं कर सकती जब तक वो इन रूल्स के नीचे एक लाइसेंस ऑब्टेन ना करे और लाइसेंस हासिल करने के क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे। इन्हीं इश्यूज के बेसिस पर कोर्ट ने लीव टू अपील डिक्लाइन कर दी। फरीदुल्ला खान अगेंस्ट इरफानुल्ला खान। पिटिशनर इस केस में पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ लीव टू अपील सीख कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल ये था कि क्या तलब मुवातबत बनाने में डिले प्रीएम्पशन का राइट लीगली डिफीट कर देता है। दूसरा ये कि तलब मुवातबत के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और वो प्रूव कैसे होंगे। तीसरा ये कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन की नेचर क्या है और ये एक्सटिंग्विश कब होता है। चौथा ये कि अगर तलब मुवातबत इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रूव नहीं हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और आखिरी ये कि जनरली सुप्रीम कोर्ट निचले कोर्ट्स की कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता, पर क्या ये रूल एब्सोल्यूट है। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने पहले सवाल पे कहा कि सूट लैंड की सेल की नॉलेज होते हुए तलब मुवातबत बनाने में क्रूशल डिले प्रीएम्पशन का राइट लीगली डिफीट कर देता है। दूसरा ये कि तलब मुवातबत के दो मेन एलिमेंट्स हैं। जब प्रीएम्प्टर को पहली इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल मिली थी उसका टाइम, डेट एंड प्लेस और इमीडिएट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। और इसको प्रूव करने के लिए चेन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक जो प्रीएम्प्टर को इन्फॉर्म करे। तीसरा ये कि प्रीएम्प्शन का राइट एक फीबल नेचर का है और अगर तल्ब इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ना हो तो एक्सटिंग्विश हो जाता है और वेव भी हो सकता है। चौथा ये कि प्रीएम्प्शन के राइट की फाउंडेशन ही तलब मुवातबत के बनने पे है, तो अगर वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं तो सारा सुपर स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और आखिरी ये कि हाँ, जनरली सुप्रीम कोर्ट निचले कोर्ट्स की कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता, पर ये रूल हरगिज़ एब्सोल्यूट नहीं और इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, मसलन जहाँ कोई सब्सटैंशियल एरर हुआ हो या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो। मीर हसन काल होरो वर्सेस मोहम्मद चताल एलियस इमरान, PLD 2022, सिंध 165। इस केस में मेन एप्लीकेंट मिस्टर मीर हसन काल होरो थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट हैपुर में एक सीनियर सिविल जज थे। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट एक दावेदार थे जिन्होंने एप्लीकेंट जज के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। रिस्पोंडेंट के मुताबिक वो कोर्ट में किसी इशू की वजह से रेवेन्यू रिकॉर्ड ना पेश कर सके। रिकॉर्ड पेश ना करने पर जज उन पर एलिजिबली गुस्सा हुए, उन्हें अब्यूज़ किया, उन्हें हैंडकफ करवाया और 2 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में रखा।
कंप्लेनेंट ने फिर एप्लीकेंट के बारे में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन की, जिन्होंने ये कंप्लेन टर्न डाउन कर दी। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि क्या एक जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जजेस की जजमेंट्स को अपील या रिविजन के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। इसी तरह पीपीसी के सेक्शन 77 के नीचे जजेस के गुड फेथ में किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ पीपीसी के सेक्शन 197 के तहत जजेस और पब्लिक सर्वेंट्स को किसी ऑफेंस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की इजाजत के साथ ही प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जजेस की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें मजीद हिफाजत देने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 का सेक्शन 1 भी यही कहता है कि जजेस के खिलाफ उनकी ड्यूटी के दौरान किए गए कामों के लिए क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। इसीलिए सीनियर सिविल जज की एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती। जजमेंट के एंड पर कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में तापेदार ने यह इशू अपने सीनियर्स को रिपोर्ट नहीं किया और इस केस के फैक्ट्स पर यह लग रहा था कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस क्रिमिनल कंप्लेंट के जरिए जानबूझकर लिटिगेशन को लटका रहे थे। नजर अबास अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा। इस इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने रिविजनल कोर्ट के ऑर्डर को असील किया है, जिसमें कहा गया था कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 का राइट ऑफ रिबटल एविडेंस अभी भी ओपन है। अब अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि अगर डिफरेंट सूट्स में सिमिलर इश्यूज हों तो क्या वो कंसोलिडेट होंगे और जॉइंटली एक कंसोलिडेटेड ट्रायल में डिसाइड होंगे, और दूसरा ये कि राइट टू प्रोड्यूस अफर्मेटिव और रिबटल एविडेंस अवेल करने के बाद क्या एक पार्टी इस गार्ब में केस रीओपन कर सकती है कि रिबटल एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि रूल 6A ऑर्डर 2 CPC की रोशनी में अगर डिफरेंट सूट्स में सिमिलर इश्यूज हों तो वो कंसोलिडेट होंगे और जॉइंटली एक कंसोलिडेटेड ट्रायल में डिसाइड होंगे। दूसरा ये कि राइट टू प्रोड्यूस अफर्मेटिव और रिबटल एविडेंस अवेल करने के बाद एक पार्टी इस गार्ड में केस रीओपन नहीं कर सकती कि रिबटल एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हुरम मंजूर चौधरी वर्सेस सूर्या बेगम, PLD 2022, इस्लामाबाद 131। ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक रिव्यू एप्लीकेशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने हाई कोर्ट के एक जजमेंट को चैलेंज किया। इस केस में कोर्ट के सामने मेन इशू ये था कि एडवोकेट्स के रजिस्टर्ड क्लर्क्स क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और क्या वो कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। अपने केस को सपोर्ट करने के लिए पिटिशनर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इम्प्यून जजमेंट क्लर्क्स की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के तहत राइट को वायलेट करती है। अलबत्ता कोर्ट ने ये रिव्यू एप्लीकेशन डिसमिस करते हुए इस एरिया में लॉ को डिटेल में एनालाइज किया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 के तहत सिंध चीफ कोर्ट रूल सकते थे और 2019 में एक नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर्स अडॉप्ट कर लिए। इन दोनों हाई कोर्ट्स के रूल्स क्लर्क्स की ड्यूटीज और उनके रोल्स को डिस्कस करते हैं। सिंध चीफ कोर्ट रूल्स के रूल्स 191 और 192 के तहत एक एडवोकेट अपने क्लर्क की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देता है और सिर्फ रजिस्टर्ड क्लर्क ही मिनिस्ट्रियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हाई कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम 5 के चैप्टर 6 के पार्ट जे के मुताबिक क्लर्क्स की एम्प्लॉयमेंट रेगुलेटेड थी। इन रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार लीगल प्रैक्टिशनर्स की जानिब से हायर किए गए क्लर्क्स की लिस्ट बनाकर हर साल जनवरी में डिस्ट्रिक्ट जज के साथ शेयर करते थे और सिर्फ ये क्लर्क्स लीगल प्रैक्टिशनर्स के बिहाफ पर कोर्ट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ से इंटरेक्ट कर सकते थे। सिंध चीफ कोर्ट रूल्स का रूल 200 क्लर्क्स को ये इख्तियार देता था कि वो कॉपीज की डिलीवरी लें, प्रोसेस फी पे करें और प्रोसेस प्रिपेयर करें और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को आइडेंटिफाई करें। रूल 200 का सब रूल 2 क्लर्क्स को इस चीज़ से स्ट्रिक्टली मना करता था कि वो कोर्ट को या उनके ऑफिसर्स को एड्रेस करें जो कि जुडिशल या क्वाजा जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स में भी इससे एक मिलती जुलती प्रोविजन थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी PLD 2021 SC 761 में ये क्लियरली कहा था कि काउंसिल के बिहाफ पर क्लर्क की अपेयरेंस नॉन अपेयरेंस ही काउंट होगी। कोर्ट ने कहा कि एक अफसोसनाक प्रैक्टिस थी कि एडवोकेट्स के बिहाफ पर क्लर्क्स अपेयर होते थे और इस प्रैक्टिस की लॉ में कोई गुंजाइश नहीं थी। जहां तक आर्टिकल 18 की बात थी, कोर्ट ने कहा कि हर शख्स की राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन लॉ के मुताबिक क्वालिफाई की जा सकती थी। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1973 और CPC 1908 के मुताबिक सिर्फ लीगल प्रैक्टिशनर्स के पास ही कोर्ट के सामने अपेयर होने की राइट थी। अब्दुल वहीद अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा।
इस पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जजमेंट को असेल किया है, जिसमें पिटिशनर की इजेक्टमेंट ऑर्डर हुई थी। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि रेंट ट्रिब्यूनल के लिए इजेक्टमेंट पिटिशन डिसाइड करने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे जहां पे एलेज टेनेंट ने लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप डिनाई कर दिया हो। और दूसरा ये कि सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के ऊपर क्या टेनेंट अपनी पोजेशन की प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है। जस्टिस फैसल जमान खान ने पहले सवाल पे कहा कि अगर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट पे अपनी ओनरशिप प्रूव कर दे तो वही लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए भी काफ़ी होगा। और दूसरा ये कि सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट के ऊपर टेनेंट अपनी पोजेशन की प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट, रिट पिटिशन नंबर 1787 ऑफ 2022, सैयद अहमद शेख वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एटसेट्रा। ये केस लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रहील कामरान के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस पिटिशन के थ्रू पिटिशनर ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 17A के तहत फैमिली कोर्ट के जज के पास किए गए ऑर्डर को चैलेंज किया। इस केस में कोर्ट के सामने तीन मेन इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि फ्रेज डिफेंस स्ट्रक ऑफ का क्या मतलब है और क्या कोर्ट डिफेंडेंट की डिफेंस स्ट्राइक ऑफ होने के बाद डिफेंडेंट की जानब से रिटन स्टेटमेंट में मेंशन डिफेंस पर रिलाई कर सकते हैं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि इंटरिम मेंटेनेंस की पेमेंट पर डिफॉल्ट करने पर डिफेंस का स्ट्राइक ऑफ होना लाजमी या मैंडेटरी है और कोर्ट के पास इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं। इस सिचुएशन में डिफेंस का स्ट्राइक ऑफ होना एक ऑटोमेटिक चीज है, क्योंकि लॉ में फ्रेज द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्ट्रक ऑफ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मुताबिक डिफेंस बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के स्ट्राइक ऑफ हो जाती है। फ्रेज डिफेंस स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है कि डिफेंडेंट को उनकी जानिब से रिटन स्टेटमेंट में सेटअप किए जाने वाली किसी डिफेंस पर रिलाई नहीं करने दिया जाएगा और कोर्ट इन्हें कोई वेट नहीं देगा। अलबत्ता लॉ के मुताबिक कोर्ट पर यह फर्ज है कि वो सूट फॉर मेंटेनेंस प्लेंट और रिकॉर्ड पर मौजूद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर डिक्री करे। इस केस का सेकंड इशू ये था कि क्या फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 17A सबसेक्शन 1 के तहत पास किए गए डिक्री सिर्फ क्लेम फॉर मेंटेनेंस तक ही महदूद रह सकती है। इस इशू पर कोर्ट ने सेक्शन 17A सबसेक्शन 1 को डिटेल में एनालाइज किया। इस क्लॉज में मेंटेनेंस पे ना करने पर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इस वजह से ऐसी प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 17A सबसेक्शन 1 के नीचे पास किए गए डिक्री सिर्फ क्लेम फॉर मेंटेनेंस तक ही रिस्ट्रिक्ट या महदूद रहनी चाहिए और इसे प्लेंटिफ के सूट के किसी और हिस्से को इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। इस केस का लास्ट इशू ये था कि क्या सेक्शन 17A सबसेक्शन 1 के नीचे पास की गई डिक्री फॉर मेंटेनेंस सिर्फ डेट ऑफ डिक्री से स्टार्ट हो सकती है या वो डिक्री से पहले भी किसी डेट से स्टार्ट हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस इशू को आंसर करने के लिए सूट्स में रिलीफ के हवाले से कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। रिलीफ हासिल करने के लिए पार्टी का क्लेम एक कॉज ऑफ एक्शन पर मबनी होना चाहिए, जो कि लॉ में रिकग्नाइज किसी राइट टाइटल या इंटरेस्ट की इन्फ्रिंजमेंट पर बेस्ड होता है। आमतौर पर सिविल लिटिगेशन में पार्टी रिलीफ के लिए कॉज ऑफ एक्शन के अक्रूअल से इंटाइटल्ड होती है, लेकिन ये इंटाइटलमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। कुछ ऐसे केसेस में जहां क्लेमेंट कॉज ऑफ एक्शन एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाए लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट एस्टैब्लिश ना कर पाए, तब रिलीफ सूट के इंस्टीट्यूशन की डेट से ग्रांट किया जाता है। अगर कॉज ऑफ एक्शन एक रिकरिंग या कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन हो, तब रिलीफ क्लेमेंट को फ्यूचर पीरियड में कवर करने के लिए भी दिया जाता है। सेक्शन 17A सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सजेस्ट करे कि डिफेंडेंट की डिफेंस स्ट्राइक ऑफ होने के बाद फैमिली कोर्ट सिर्फ डिक्री की डेट से ही स्टार्ट करके रिलीफ ग्रांट कर सकता है। क्योंकि लॉ की लैंग्वेज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्लेमेंट के लिए मेंटेनेंस उस अरसे के लिए भी दी जा सकती है जिस अरसे के लिए रिस्पोंडेंट ने क्लेमेंट और उनके बच्चे को मेंटेन ना किया हो, ख्वाह वो सूट के इंस्टीट्यूशन की डेट से पहले ही क्यों ना हो। तैयबा जामा मस्जिद ट्रस्ट सौदाबाद कराची अगेंस्ट अकीला बेगम एंड टू अदर्स। पिटिशनर ने सेक्शन 15 ऑफ द सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के अंडर इजेक्टमेंट एप्लीकेशन फाइल की। रेंट कंट्रोलर ने रिस्पोंडेंट की डिफेंस अंडर सेक्शन 16(2) स्ट्राइक ऑफ कर दी और इजेक्टमेंट एप्लीकेशन अलाउ कर दी। जब केस अपीलेट कोर्ट के पास गया तो उन्होंने अपील अलाउ कर दी और रेंट कंट्रोलर को डायरेक्ट किया कि केस ऑन मेरिट्स डिसाइड करे। जब मामला इस कोर्ट के पास आया तो जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन ने कहा कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 16(1) जो कि अलाउड था। रेंट कंट्रोलर ने टेनेंट को राइटली डायरेक्ट किया था वो डिपॉजिटेड रेंट विदड्रॉ करे
और लैंडलॉर्ड के केस में मंथली फ्यूचर रेंट डिपॉजिट करे। लिहाजा अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर सेटिसाइड हो गया और रेंट कंट्रोलर का मेंटेन। लाहौर हाई कोर्ट, एमएसटी नसरीन वर्सेस मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड एंड फाइव अदर्स, ईएफए नंबर 9 ऑफ 2019। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने इस एग्जीक्यूशन फर्स्ट अपील के जरिए बैंकिंग कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया। इस ऑर्डर के थ्रू बैंकिंग कोर्ट ने सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 54 के तहत एक प्रॉपर्टी की ऑक्शन के ऊपर पिटिशनर की लगाई गई ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि क्या इनहेरिटेंस के थ्रू एक लीगल एयर को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र उन्हें एक ऐसे इशू को एजिटेट करने की फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन देता है जो कि मरहूम ओनर ने पहले ही एजिटेट किया था और वो डिसाइड हो चुका था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की स्टेज पर ऐसी कोई चीज़ अलाउ करना डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन को फ्रस्ट्रेट करना और रोकने के मुतरादिफ होगा, जबकि यह डिक्री पहले ही फाइनैलिटी अटेन कर चुकी थी। इस केस में ये इशू पहले ही डिसाइड हो चुका था। कोर्ट ने अपेलेंट का यह आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया कि उनकी हस्बैंड की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके नाम में इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हो गई और उनके पास अब इस डिसाइडेड इशू को एजिटेट करने के लिए फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन थी। कोर्ट ने कहा कि इस क्लेम की कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं थी। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपेलेंट उनकी जगह पर आ गई और वो प्रॉपर्टी में अपने हस्बैंड की राइट से बढ़कर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकती थी। शहजादा अमान रूम एंड अदर्स अगेंस्ट मियां गुल हिलाल एंड अदर्स, पिटिशनर्स ने अपने सूट अंडर ऑर्डर 17 रूल 3 सीपीसी के डिसमिसल को असेल किया। वो कंटेंड कर रहा था कि उनका राइट टू प्रोड्यूस एविडेंस स्ट्राइक ऑफ करके उनका केस फर्दर प्रोसेस होना चाहिए था और रिस्पोंडेंट्स का एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स ने अपने सपोर्ट में एक सिंगल विटनेस भी नहीं एग्जामिन करवाया, प्लीडिंग्स ही एविडेंस नहीं, तो ऐसे में डिफेंडेंट्स का एविडेंस रिकॉर्ड करवाना सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी होती जिसका कोई सब्सटेंशियल इफेक्ट ना होता और ये ग्राउंड्स फॉर रिवर्सल ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर काफ़ी नहीं। लिहाजा जस्टिस विकार अहमद ने पिटिशन डिसमिस कर दी। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।